हाय व्हाट्स अप यू गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आपको टाइटल से पता होगा, आई एम रियली एक्साइटेड, रियली थ्रिल्ड गेटिंग माय फर्स्ट ड्रोन। लेकिन जर्नी थोड़ी इजी नहीं है। ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि घर पे आकर डिलीवर होता है पार्सल, बट नहीं, यहाँ तो कुछ ट्रेजेडी फिल्मी होना था। बट एनीवे, लेट मी जस्ट गेट रेडी, आई एम इन रश, आई विल टेक यू अलॉन्ग। ऑलराइट, वेलकम टू दिस जर्नी, वी विल हैव फन। लंबी जर्नी, ऑलराइट, चीयर्स। आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी। सी, वी आर कैचिंग अ ट्रेन, तो ऐसे नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल परचेज है नहीं। चलिए चलते, अभी भागते भागते ट्रेन पकड़ना है। 5 मिनट पहले नहा धो के, बाल ही नहीं झाड़ पा रहा था तो ये पहन लिया। अभी हम झाझा में जा रहे बाजार और मम्मी के डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए, फिर हमें जाना है पटना। थोड़े से रश आपको साथ में लेके चलते हैं, मजेदार व्लॉग है, बहुत लोगों से मिलेंगे, मजा आएगा। राइट, सो हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। उधर का काम किया, मम्मी का रेगुलर चेकअप किया, घर से निकले, सामान उठाए, एंड वी आर कैचिंग द ट्रेन। ऑलराइट, गाड़ी हमारी वहां लगी, ट्रेन यहां लगी, हम चल। दैट्स अ क्रेजी लाइफ ऑफ झाझा गाइस। चलो पटना मिलते हैं थोड़ी देर में। ऑलराइट, तो हम आ गए हैं अपने ट्रेन में। जी नहीं, हमारा प्लान था कि हम नगल डैम से जाएंगे, हमारे उसमें टिकट थी। फिर हमें सरोज अंकल मिल गए, जो पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जो टीटी हैं, तो हाँ, जो सीआईटी हैं, चीफ टिकट इंस्पेक्टर। तो वो बोले कि हमारे साथ चलो हमारे ट्रेन में। तो दूसरी ट्रेन लगी थी, वो बोले हम आराम से इसी में लेके जाएंगे तुम्हें। तो देख रहे, पूरा केबिन दे दिया, मैं माता जी बैठे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से निकल लिए हम लोग। तो थोड़ा सा 1 घंटा लेट पहुँचेंगे, बट कम्फर्ट इम्पोर्टेंट है और स्लीपर में वहाँ पे गर्मी लगती है। हमें सोचा 3 घंटे की जर्नी नगर लिम तो आराम से पहुँचा देगी, तो इसी में नहीं किया था। तो वही होता है, लोग कमाओ, इसलिए हमें सब होता है पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लोग कमाओ, लोग कमाए देखो जी, फेबरी में जा रहे हैं पटना में। वी हैव लैंडेड इन पटना। हाँ, लैंडेड बोलने की आदत लग गई है। पटना पहुँच गया भाई ट्रेन से, और मिंटर से डिसरो का बहुत बड़ा पोस्टर लगा है, और काफ़ी डेवलप्ड है पटना है। चलिए चलते आगे इस वीडियो में। हाँ, पटना पहुंच गए हैं, और अभी आया हूँ मैं शिवम के घर में। शिवम याद हो तुम्हें दिल्ली वाले व्लॉग से, तो शिवम है नहीं, उसकी गाड़ी है, तो वो लेना है मुझे बाइक। कौशिक से मिलूँगा, कुछ कार्ड लेना है, फिर सौरभ से मिलना है, फिर ये ब्लॉग बाद में ही आ रहा, को पता नहीं, बहुत मिक्सअप चलते रहता है, मल्टीपल कॉन्टेंट एक साथ शूट करता हूँ। तो एनीवे, हियर इट इज़, हम हियर इन पटना फ्रॉम झाझा, एंड लेट्स सी, और जो जो भी होगा ब्लॉग में ऐड करते हैं। ऑलराइट, हियर वी आर ऑन शिवम्स बाइक। दैट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग फ्रेंड्स एवरीवेयर, जहाँ पे आपको ये सब तकलीफ देखना नहीं पड़ता ऑटो ऑटो का। चलिए निकलते हैं, गाड़ी चलाएंगे, गोप्रो लाए नहीं है, नहीं तो काउंट करके ब्लॉग करते, बट कोई बात नहीं। हाय हाय, ऑलराइट, तो वी आर इन सौरभ अनुराज भैया अपार्टमेंट। ऑलराइट, इज अ वेरी फेमस प्रोमिनेंट फोटोग्राफर, एक्चुअली मोस्ट फेमस फोटोग्राफर फ्रॉम बिहार, ही इज वी आई टी ड्रॉप आउट, इन केस यू डोंट नो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो। चलिए चलते हैं अंदर। वी आर हियर इन सौरभ अनुराज स्टूडियो, एंड हियर विथ मी इज अमर, माई बॉडी। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे जेई के, तो साथ में रो रहे थे ट्वेल्थ में। और यहाँ पे हमारे केक लेके रखे हमारे लिए सौरभ भैया, तो या थैंक यू सो मच। ड्रोन आने की खुशी में समझ सकता हूँ, केक खा रहे हैं। ये तो हमको ड्रोन दे रहे हो ना गिफ्ट में? ये बोले ड्रोन मुझे दे दो, वो वीडियो देख ली। हम लोग यहाँ आए, रैंडमली पूरा टेबल लगाया, लाइट लगाया, कैमरा लगाया, एक और कैमरा लगाया, और वीडियो बनाया। तो इसलिए मैं पटना आया था, झाझा से निकला यहाँ आया एक वीडियो बनाने के लिए। अरे एक दिन सोचा भाई लोग से मिल लेंगे, ऐसे हम लोग 2018 में इसको मिला था एक केक खा ले। तो 18 में इसको सरप्राइज दिया था, इसके घर पे जाके मैं और जीवन गए थे, और आज मिल रहे हैं। तो लगभग 2.5 साल बाद, 2.5 साल हो गए भाई, मतलब लाइफ जेन्युइनली बिजी होती है। ऐसा था, मैं पटना आ रहा था उसी दिन, ये पटना से जा रहा रहता था, ऐसे बड़े पंगे चलते, बट फाइनली फाइनली वी आर हियर। एंड या अभी हम बातें बातें करेंगे, जैसे ऑन कैमरा कितना है, ऑन कैमरा मतलब 10% होता है दिन का, बाकी तो बहुत बात है ऐसे। तो ये आपको अपडेट दे रहा था, इसी के लिए पटना आया था गाइस। एक बार टूर ले लो थोड़ा सा, सौरभ नराज के बहुत सारे फैंस हैं। तो ये है भैया का स्टूडियो, है ना, पूरा ओके गूगल और एलेक्सा सेट, यहाँ पे गैलरी, फोटो वोटो लगी है। ये है भाई साहब हमारे हीरो, और टूर नहीं देंगे अभी रूम टूर, पिछले बार बोले थे दे देंगे आप।
कुछ दे सकते हैं तो चलो परमिशन लेना चाहिए। हालत थोड़ा खराब है बट देख रहे हैं। एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट्स। ऐसे कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे वाइब इतना मस्त। और अभी सब चीज़ एलेक्सा से कनेक्टेड है, ये हमारी भाभी है। और ये ऐसे बड़ा सा टीवी है। तो मैं पिछले बार ऐसे रूम टूर बोला था दूंगा, नहीं दिया था, रूम दिखाया नहीं भैया करूँ। देख लो भाई, हम भी पहली बार आए ऑफिस 2017 में। नहीं हाँ मतलब ऐसे बैचलर है भाई इतना, लेकिन बहुत क्लीन है भैया इस हिसाब से, बहुत ही क्लीन है, काफ़ी सही। तो दिस इज थोड़ा सा रूम टूर ऑफ अ वेरी वेरी फेमस। मतलब सौरभ है वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, तो इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग यू आर मिसिंग ऑन लॉट ऑफ टेक कॉन्टेंट, सो मेक श्योर यू चेक हिज चैनल। ऑलराइट, अभी हम लोग करेंगे बातें और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा बात करते हैं, दोस्त लोग आए हैं तो ऐसे ही चल रहा दिन। इट्स प्रीटी अमेजिंग, आई होप आपको ये हमारा पहला ड्रोन का परचेज पसंद आया होगा। वो वीडियो पहले डाला हूँ, ये बाद में डालूंगा, बहुत प्लानिंग चलती है। क्या लव माई शूज यार, लाइट में कितने अच्छे लग रहे हैं। लेट्स सिट डाउन। शूट तो ख़त्म हो गया, ड्रोन की बैटरी चार्ज हो रही है, हमारी बैटरी लो चल रही थी। सौरभ भाई एकदम गरम गरम बिरयानी ला के दिए हमें खाने के लिए। और अमन से हमारी एक स्टोरी है कि मेरा बर्थडे मना रहे थे हम लोग 2017 में, हाँ जनवरी 17 में। तो अमन घर पे आया था नानी घर में, और सब लोग ऐसे मस्त चिकन वगैरह लेके बैठे हैं। अमन बोलता हम चिकन नहीं खाते, तो फिर इसके लिए हम लोग स्पेशली मछली लाए और फिश खिलाए ऐसे। तो अभी घर पे कभी बोलता ना अमन से मिलने, बोलता अच्छा अमन जो चिकन नहीं खाया था मछली खाया था। ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं मस्त। तो खैर अभी भी वो चिकन नहीं खा रहा। छत पे थोड़ा आनंद ले रहे थे, नज़ारों का बातें कर रहे थे और बारिश होने लगी, तो अभी भागना है हमें अंदर। काफ़ी बातें हुई। अच्छा टेरेस तो बहुत ही अच्छा, पूरा पटना दिखता है गाइस, एकदम मस्त है 100 रुपये का टेरेस। हम अमन ऐसे डीप टॉक चल रहा था, बड़ा बारिश होने लगी। चलते वापस नीचे रूम में, ऐसे कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो सीन ऐसा है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी आपको स्टूडियो टूर थोड़ा सा दिए थे, अब देखिए अब हम टेबल को साइड में कर दिए हैं, बारिश हो रही तो ड्रोन उड़ा नहीं सकते, ड्रोन भी साइड में, बेड लग गया है, रपुंजल सोएगी, हम सोएंगे और अमन सोएंगे। अमन बॉडी फ्लेक्स कर रहा है, जिम विम जाता, स्विमिंग विमिंग करता पूरा। तो बस आज की रात सौरभ भैया घर पर, ठीक है, पूरा एकदम हॉस्टल वाली फीलिंग है, मैट्रेस लगाओ। आप हॉस्टल से कुछ मेमोरी आपको कुछ है ऐसा जो बताना चाहेंगे? हॉस्टल में लफवाई किए खाली और क्या कुछ किए क्या तो यही है कि हॉस्टल वाले एडजस्ट कहीं भी हो जाते हैं। तो वही तो बात है, वहाँ चार चार लोग रहते थे एक साथ, मजा आता था वैसे ही। मैं रात को कभी उसको उठा दिए, कभी उसको उठा दिए, और जब सोच लेते कि कॉलेज छोड़ना है तो और चले गया था, लेवल बढ़ गया। तब क्या टेंशन है कि कहीं लगा भी दोगे तो ठीक है, ऐसे भी जाना है, क्या टेंशन। और अब तो इतना बड़ा फ्लैट है तो बहुत जगह है, ज़्यादा ही जगह रहने की। तो आज रात का यही सीन है सौरभ भैया घर पे। और प्यार एक धोखा है, इस पे क्या कहना है जी? ये बहुत बड़ा मैसेज है यूथ के लिए। अरे सच्चाई है, कुछ नहीं है इसमें, सच्चाई है ये जो है ना, हाँ। सच्चाई पहन के घूम। बहुत बढ़िया यूथ, इस पे ध्यान रखें, प्यार एक धोखा है, उसके चक्कर में ना पड़े। चलिए आई थिंक अब सुबह मिलेंगे हम लोग, बस बातें करेंगे, फिर ब्लॉग पर बैठेंगे।